Good morning to all of students. Sitting in your science period, I will write lesson 3 exercise. आज मैं आपको एक्सरसाइज में सी नंबर नेम टू एनिमल्स दैट कराने जा रहा हूँ. तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपनी कॉपी निकालें, कॉपी में आज की डेट डालें, क्लास बुक डालें और लेसन का नेम डालें, ठीक, ब्लैक करें. इसके आगे से आपको लिखना है, नेक्स्ट लाइन में नंबर सी डालिए, ब्लैक से लिखिए एम ए एम ई नेम animals A N I M A S S animals that E N A T that. ठीक, सबसे पहला नंबर है E plants E L A N T S plants. ठीक, E plant. अब उन animals है जो केवल प्लांट खाते हैं, ऐसे टू एनिमल्स का नेम लिखना है जो केवल प्लांट खाते हैं. ऐसे एनिमल्स कौन है? नंबर वन रेक्स नंबर डालेंगे और इसको भी ब्लैक कर देंगे. नंबर वन है सी ओ डब्ल्यू का. ठीक, और जो है वो केवल ईटिंग प्लांट्स का निकाला है. तो उसके बाद समझ सके गो जी ओ ए. तो तीन प्लांट्स एनिमल कौन कौन से हुए? गो, काउ और गो. ठीक, सबको ध्यान में आने बाद अब इसके बाद देखिए नंबर सेकेंड. ये नंबर सेकेंड क्या है? ई प्लस ई ए टी ई एफ एल ई एस एस ई प्लस, मतलब प्लस कीटिंग एनिमल. जो लोग केवल मांस खाते हैं ऐसे एनिमल्स का नेम आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक, ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं? लॉयन है, टाइगर है कि नहीं है? लॉयन, टाइगर, पैंथर, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो केवल फ्लैश ही खाते हैं. आपको केवल दो लिखने हैं. यहाँ पर आप केवल दो लिखेंगे, ब्लैक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर. ऐसे एनिमल कौन है?
रैक है, रैबिट है और भी कई है, स्क्वायरल है, ये सब उतरने वाले एनिमल है, ठीक, ग्रोइंग एनिमल्स है। तो देखिए तो पहले क्या लिखेंगे, नंबर वन पे हम ब्लैक से लिखेंगे आर ए टी रैक, नंबर टू पे लिखेंगे वेल आर ए डबल बी आई टी है, ठीक, आप समझ आए, ये पूरा यहाँ से आता है, पूरा ब्लैक से लिखेंगे। उसके बाद देखिए पाइप नंबर है एफ यू सी के सब ब्लड बी एल डबल ओ डी, ब्लड टूटने वाले तो एनिमल्स के नाम बताइए, ब्लड टूटने वाला नंबर वन एनिमल है मॉस्किटो। मॉस्किटो आपका ब्लड टूटता है, चूसक होते हैं उसको आपकी बॉडी में वो चुहा देता है, उससे वो ब्लड टूटता है। ऐसे ही आपका लीची है जोंक, जो आपके बॉडी में चिपक जाती है और अपने दांतों को अंदर घुसेड़ करके उससे वो रस ब्लड, ठीक। तो देखिए पहला क्या है, मॉस्किटो एम ओ एफ क्यू यू आई टी ओ टी एल मॉस्किटो, और नंबर टू है लिचेस एल डबल ई टी एल ई एस लिचेस, ठीक। ये आपका आज का क्लास वर्क था, इसको आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न और राइट करना है, ध्यान रहे स्पेलिंग की गलती ना हो, और लिखते समय आपको रीडिंग करनी है, बोलना है, बोल बोल कर लिख।